आप में से बहुत सारे लोग Asus ZenFone Max Pro M1 यूज करते हो। मैं भी Asus ZenFone Max Pro M1 का एक यूजर हूं। और आफ्टर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस कर रहे हो, जैसे मैं भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का यहां पे फेस कर रहा हूं। मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसा ही टॉप 5 प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जो मुझे देखने को मिला आफ्टर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट। अब कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सॉल्व भी नहीं हो रहा है और सॉल्व भी कैसे हो, क्योंकि Asus ही नहीं चाहता है। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं Asus ZenFone Max Pro M1 में ऐसा कौन सा 5 प्रॉब्लम्स हैं जो सही में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और ये आफ्टर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट के बाद ही हुआ है। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। दैट बीइंग सेड, चलुन करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 5 स्मार्टफोन्स का गिव अवे और इसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे आप जीत सकते हो Redmi Note 7 Pro ब्लू कलर का, 4GB 64GB, Redmi Note 7 3GB 32GB ब्लैक कलर का, Poco F1 6GB 64GB रेड कलर का, और Asus ZenFone Max Pro M2 और Asus ZenFone Max Pro M1 4GB 64GB गोल्ड एंड ब्लू कलर का। साथ में आप जीत सकते हो यहाँ पे, ये देखो बहुत सारे मोबाइल स्किन्स जो डिफरेंट यहाँ पे टेक्सचर वाला कलर्स वाला आपको मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं जो मोबाइल आप जीतने वाले हो ना उसी का ये मोबाइल स्किन है। साथ में यहाँ पे पीट्रॉन के तरफ से वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर भी आपके लिए वेट कर रहा है। आपको क्या करना होगा, सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको गिव अवे वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देखो उस वीडियो को, पार्टिसिपेट करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, ट्विटर में फॉलो करो, फेसबुक में फॉलो करो, हाँ सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात चल रहा था Asus ZenFone Max Pro M1 के बारे में। सही में Asus आपने बहुत अच्छे काम किए थे जब इस फोन को लॉन्च किए थे ना, सही में इस प्राइस रेंज में आप काफी अच्छे काम किए थे। साथ में जो आप लगभग स्टॉक एंड्रॉइड UI का जो एहसास था, फील था, वो हमें दिए थे। पर हम सभी को ये नहीं पता था अपडेट के बारे में आप इतने पीछे रह जाओगे और एक के बाद एक बग्स दोगे हमें, ये ठीक करना चाहिए। चलिए जो पहला बग्स के बारे में यहां पर बताऊंगा या जो पहला प्रॉब्लम, आप में से टॉन्स ऑफ कमेंट्स आता है मुझे हर दिन, भाई Asus ZenFone Max Pro M1 में ये प्रॉब्लम है, Asus ZenFone Max Pro M1 में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स तो सही में है मेरे दोस्त, और आज जाके कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भी फेस हुआ और मैं सही में क्या कहूं, मुझे काफी ज्यादा भाई यहां पे अच्छा नहीं लगा। जो पहला प्रॉब्लम है वो आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा। अब इससे पहले यानी आफ्टर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट से पहले डिस्प्ले पे प्रॉब्लम था जो टच इश्यूज था, टच उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, पर आफ्टर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट टच का इशू तो भाई सॉल्व हो गया और कहीं ना कहीं बहुत ही आनंद आया था मुझे। पर उसके बाद मैंने देखा कि डिस्प्ले के बैकग्राउंड में आपको वाइब्रेशन देखने को मिलता है, यानी आप डिस्प्ले को यूज कर रहे हो, वाइब्रेशन का कोई यहां पे क्वेश्चन ही नहीं है, पर फिर भी आपका डिस्प्ले के अंदर आपको वाइब्रेट फील होगा, यानी हर वक्त फोन वाइब्रेट हो रहा है। भाई सही में ये बहुत ही इरिटेटिंग है, प्रॉब्लमेटिक है। मैंने देखा, मैंने Asus को मैसेज भी किया, पर भाई ये प्रॉब्लम अगर Asus ना चाहे तो कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। क्या आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्प्ले जब आप यूज कर रहे हो आपको हर समय वाइब्रेशन का एक फील हो रहा है? जरूर हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और लाइक से ये पता चलता है कहीं ना कहीं मैं सही हूं और आपको भी अच्छा लग रहा है ये वीडियो, सपोर्ट करो। चलिए अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में यहां पे मैं बताऊंगा आपको, और ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसके बैटरी को लेकर। बैटरी बिफोर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट काफी अच्छे से चल रहा था, हाँ आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप तो जरूर मिलता था तब, अगर आप एक हार्ड यूजर हो तो भी। अब मैं किस तरह का यूजर हूं, मैं वाईफाई को ऑन रखता हूं हर समय, डेटा को ऑन रखता हूं, इंस्टाग्राम यूज करता हूं, व्हाट्सएप यूज करता हूं, ट्विटर, फेसबुक, चाहे वो गेमिंग हो, कॉल वगैरह, और हाँ यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूं, नेटफ्लिक्स और Amazon Prime पे भी वीडियो देखता हूं। प्रॉब्लम मुझे बिफोर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट नहीं आ रहा था आफ्टर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट। मैं थोड़ा सा यहां पे सरप्राइज्ड हो चुका, भाई हद से ज्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है,
जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। अब एसुस के बारे में एक बात कहूं, मैं तो बोलता था एसुस यानी बक्स का दुकान, और एक नया एडिशन। एसुस एक बक्स को फिक्स करता है तो दूसरे बग्स हमारे लिए हाजिर करता है। हाँ, ये बग्स बैटरी प्रॉब्लम्स तो ठीक हो गया था, उसके बाद बैटरी में नया प्रॉब्लम, बैटरी हद से ज्यादा ड्रेन हो रहा है। बैटरी हद से ज्यादा ड्रेन तो हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं बैटरी में प्रॉब्लम आएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आफ्टर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा, जनाब आप यहां पे एकदम सही नहीं सोच रहे हो। आपको भाई मुश्किल से 1 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। अब बंदा यहां पे खड़ा है, बंदा यहां पे हाजिर है आपको बोलने के लिए कि यहां पे बैटरी मुझे 1 दिन का भी नहीं मिलता है। अगर मैं मॉर्निंग पे चार्ज करके ले जाऊं बाहर और इवनिंग पे, भाई यहां पे बैटरी रहता है ओनली 5% या 6%। सही कह रहा हूं मेरे दोस्त। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। साथ में मैं आप सभी के साथ एसुस को कहना चाहता हूं, आप यूजर्स का सुनिए, आप हर एक जो आपका कंज्यूमर्स है ना उसका सुनिए। अपडेट दो, पर अपडेट से पहले कहीं ना कहीं आप उसको यूज करो, देखो इतने सारे इंजीनियर्स है भाई, देखो ना एक बार ट्राई करके। और ये वीडियो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है इंफॉर्मेटिव है, आपको इंफॉर्मेशन मिलता है मेरे चैनल से, तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश करना, इससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट मिलता रहेगा। लाइक टारगेट ओनली 1000 कर दोगे ना यार, कर दो, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है। चलिए तीसरा प्रॉब्लम। अब तीसरा प्रॉब्लम आपको चार्जिंग से रिलेटेड है, चार्जिंग होने में बहुत ये स्लो हो गया है आफ्टर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट। इससे पहले आपको 1 घंटे से पहले तो ये चार्ज हो जाता था फुल, अब हम हो गए फुल, क्योंकि अभी 1 घंटा तो क्या 1.5 घंटा लगता है अभी इसको फुल चार्ज होने में। आप देखिए ना, मेरे कहने पर विश्वास मत कीजिए, आप एकदम 0 तक 100 आप चार्ज कीजिए आपके फोन को, देखिए कितना समय ये ले रहा है, फिर आप विश्वास करोगे मेरा। अगर आपके साथ ये हो रहा है ना जरूर कमेंट्स करना चाहिए बॉस। और एसुस ये प्रॉब्लम भी देखो, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, आपने 5000 एमएच का बैटरी दिया और 5000 एमएच बैटरी के हिसाब से जो देना चाहिए था बैटरी बैकअप वो तो आप नहीं दे रहे हो अभी आफ्टर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट। और चार्जिंग पे भी बहुत समय ले रहा है। ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है ना, ये जो हम शेयर कर रहे हैं ना, आप देखो एसुस इसके बारे में काम करो, सोचो और हमें एक अच्छा सॉल्यूशन दो। अब एक फोन है, एक फोन को यूज करने के समय इतनी सारी प्रॉब्लम अगर होना एक फोन में, तो यूज करने का कोई हक ही नहीं बनता है। अभी चलो चार्जिंग से प्रॉब्लम हो रहा है, अभी जो साउंड से प्रॉब्लम भी हो रहा है। क्या हो रहा है साउंड से? जब अपडेट से पहले इसमें टन टनाटन साउंड था, कहीं ना कहीं साउंड क्वालिटी अच्छा था, साउंड बहुत लाउड था। अब आफ्टर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट साउंड में प्रॉब्लम आ गया है, साउंड बहुत डिस्टॉर्ट हो रहा है, आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। साथ में आफ्टर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट साउंड क्वालिटी बहुत ही लो हुआ है, डिक्रीज हुआ है साउंड, यह मैं दावा के साथ कह रहा हूं। इससे पहले हर एक यूजर्स मुझे कमेंट कर रहा था Asus ZenFone Max Pro M1 में साउंड घट गया है, साउंड डिक्रीज हो गया है। मैं सोचता था कहीं ना कहीं क्या ये सही में हो रहा है, उसके बाद मैंने देखा इसको यूज किया 7 से 8 दिन तक, हां उसके बाद मुझे यहां पे फील हुआ भाई कहीं ना कहीं ये जनता सही बोलता, हां प्रॉब्लम हो रहा है, साउंड क्वालिटी सही में डिक्रीज हुआ है। अब Asus फिर से एक बात आपको बार बार दोहराना क्यों पड़ता है? देखो ना भाई, देखो ना, हद से ज्यादा वीडियो बना चुका हूं एसुस के बारे में। आप कहीं ना कहीं हर एक बंदा कहता है एसुस वाला, पर नहीं, मैं हूं जनता वाला, मैं एसुस के लिए नहीं काम करता हूं, मैं काम करता हूं जनता के लिए, और जनता ये आपका हक बनता। जो प्रॉब्लम्स है मेरे साथ शेयर कीजिए, प्रॉब्लम्स पहुंच जाएगा। अभी देखो भाई इस फोन में जो जो प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, हर बार एसुस को इन्फॉर्म कर रहा हूं, सॉल्यूशन आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट और एक बग्स, एक ही बात, इतने सारे फोन आपके बिके हैं, कहने का ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने कहा था ना हीटिंग इशू, अभी हीटिंग इशू आपको
किस तरह का मिलेगा। ये Asus ZenFone Max Pro 1 बन गया है आपका तवा और इसके ऊपर आप कुछ भी पकाओ वो हो जाएगा। इससे पहले हिट नहीं होता था, मैं गेम खेलता था, वीडियोस देखता था, कैमरा यूज करता था, वीडियो रिकॉर्डिंग करता था, हीट नहीं होता था। पर अभी अगर आप गेमिंग खेलोगे, अगर आप वीडियोस देखोगे नॉनस्टॉप, और हां अगर आप फोन को बहुत देर तक यूज करोगे तो यहां पे आपको हीट देखने को मिलेगा, फील करोगे आप जब कैमरा को यूज कर रहे हो बहुत देर तक, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तब हीट तो बहुत ज्यादा होता था इस कैमरा के आसपास, और आपको देखने को मिलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग पे जो वीडियो क्लिप आपको मिलेगा वो यहां पे रुक रुक के चलता है, इफेक्ट होता है। ये प्रॉब्लम भी हो रहा है Asus ZenFone Max Pro M1 के साथ। और एक बात कहूं, प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है Asus ZenFone Max Pro M1 में, कहीं ना कहीं ये सभी प्रॉब्लम्स तो उससे भी बढ़कर हैं। प्रॉब्लम हो रहा है, ये सभी प्रॉब्लम हो रहा है। और एक जो प्रॉब्लम आपको मिलेगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर से रिलेटेड, मैं तो सरप्राइज्ड हो गया हूं, भाई व्हाट्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, आप जब कॉल करते हो किसी बंदे को और आप जब कॉल करने के बाद फोन को यहां पे लाते हो, डिस्प्ले ऑफ, वाह भाई वाह, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो वो काम नहीं कर रहा है। जब ऑफ होना चाहिए था ऑफ नहीं हो रहा है, और जब ऑन होना चाहिए था तब ऑन नहीं हो रहा है। और एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, अब आप बातचीत करने के बाद जब फोन को यहां पे लाते हो और कॉल एंड करना चाहते हो तो वहां पे कॉल एंड नहीं होता है, यानी कॉल एंड जो बटन है वहां पे वो काम नहीं करता है। आप बार बार यहां पे प्रेस करो, कॉल एंड नहीं होगा। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब एक फोन को लेने के बाद अगर इतने सारे प्रॉब्लम इतने दिन तक हमें मिलता रहे, फेस कर रहा हूं हम सब, अच्छा नहीं लगता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि एक फोन को लेकर भाई इतने सारे प्रॉब्लम को हम फेस करें। अपडेट आएगा, कब आएगा? आएगा, अब आएगा, कल आएगा, एट लास्ट आ गया। और इस अपडेट के बाद, यानी मैं बात कर रहा हूं आफ्टर ऑफिशियल स्टेबल पाई अपडेट का, इतने दिन बाद आया, उसमें भी प्रॉब्लम, हो नहीं सकता। तो यही था इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने का। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कहीं ना कहीं आपके दिल को छुआ है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो सुमन भाई को सपोर्ट कीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि Asus बंदे के पास ये जाए और कहीं ना कहीं हमें सॉल्यूशन मिले। हो सके तो लाइक कीजिए और एक नया वीडियो के साथ आ जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत अच्छे रहिए, धन्यवाद।